करब और जहाँ तक कि हम लाइव जौन वीडियो भइल बा हमर गाली गलौज के ओकरा खातिर फिर से दोबारा भी माफी मांगब हम आपके चैनल के माध्यम से। अरे की पिहसली हरदिया भौजी, अरे की पिहसली हरदिया भौजी, अरे की बीच रे अंगनावा हो पिसत के बेरिया होले होले, हो कि पिसत के बेरिया होले होले, अरे की हिले ला जो बनावा हो पिसत के बेरिया होले, अरे की दाल गले नाही देहब अहिरान के, अरे की तू जान हुए जान पंडितान के, कि तू जान हुए जान बबुआन के। हम सब जात के लेके गइले रहनी है गाना, हम एकरा में ही ना रह के पंडितान बबुआने ना वहिरानो कोइरानो हम सब गइले बनी, ई ना के कि हमारा में कोनो एगो जात के। नमस्कार, हम बाड़ी जर्नलिस्ट राजन और आज हमरे साथ बात करे बिना मौजूद बाटन भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए एक कलाकार जिनका नाम बाटे मोनू उपाध्याय। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लोग लंठा बाबा के नाम से जाने, और चूंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार हूँ यही नाते बात भी आज भोजपुरी में हुई। तो मोनू भैया, सबसे पहले रघुआ बहुत बहुत स्वागत बा हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आप अपन कीमती समय देनी हमारा खातिर ओकरा खातिर सादर प्रणाम, सारा भोजपुरिया समाज के भी प्रणाम करते नहीं हम। बहुत अच्छा लगल आप लोग से मिल के हमारा आज। तो मोनू भैया के बारे में बता दें कि मोनू भैया का भी कुछ विवाद चलत रहा खेसारी लाल यादव से, और मामले में लेके जेल भी गया ला ना, अब जल्दी छूट के आयल बाटन और जौनपुर पहुँचल बाटन। तो हम इनके से बात करब भैया, सबसे पहले घटनाक्रम का रहल का पूरा मामला रहा, हालांकि दर्शक जाना था लेकिन फिर भी आप जेल से लौट कर एक बार उस रहस्य पर से पर्दा उठावा का कुछ रहा जो। सबसे पहले तो हम भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम अपन करते नहीं शुरुआत तौर से भी और आज तक भी, तब हमनी के वो जमाना कलाकार हैं जब से नीलकमल मार्केट में बढ़न, चाहे पवन भैया के काच कसैली गाना बाजते रहो घर से हमनी के मार्केट में बानी जा काम करते हैं जा। और आज जौन भोजपुरी इंडस्ट्री जौन बन गई बा वो एगो का कहल जाए, मतलब अपने आप से कहल अपन भोजपुरी भाषा के बदनाम कल जौन कि बहुत खराब लगेला, लेकिन आज के जौन दौर चल रहा बा युवा पीढ़ी वाला ये बहुत गंदा और एकदम भोजपुरी के तो मतलब कहीं के छोड़ले निखन जा अश्लीलता फुहरता से साफ परोस दिले बन जा, मतलब कि देही पर एकदम कि पड़ रहो छूटो मत हो जाए दाग लगा दिल बन जा भोजपुरी के नाम पर। तब तो हमारा बीच अब वही गाना एगो हमार आई रहा पंडितान के जान हो, और वो गाना हमार रिलीज भर सुपर म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से यूट्यूब पर हमार अथॉरिटी आप देखब अगर टाइम डेट ओकर तो हमार गाना वो डेट के रिलीज भइल बा। उ गाना के चोरा के ये लोग खेसारी लाल यादव लोग अहिरान के जान हो बना दिलन गाना के, और उ लोग के हमार गाना रिलीज होकर के 11-12 दिन बाद गाना रिलीज भइल। ओकर बाद हमसे ये लोग के मतलब विवाद शुरू हो गए जियले कि काहे गइल हव, तो उनकर टीम लोग हमारा गाड़ी दस हम हमार टीम उनका गाड़ी देव। तो भोजपुरी में कोई कंट्रोवर्सी एगो चल गिर कि के कतना पानी में बाटे, तो हम बीच में फिर शांत हो गिर नहीं है। फिर हम गाना जब गावत रही हाँ तो गाना बात चोरा लौस स्टूडियो में ले एने उन्हें कह दस, अब हम एगो होली में गाना बड़ा बढ़िया एगो आइडल है तो वह गाना बा एने उन्हें चोरा ला हँस आ गा देवल सौ ये कुल कमे बाई कनी के भोजपुरी के अगर कोई के कहल जी कि चोर गायक आ चोर गीतकार तो अखिलेश कश्यप को चोर गीतकार में नाम आवेला, चोर गायक में खेसारी लाल के नाम आवेला। अखिलेश कश्यप तो वह बटन ना जो गीतकार बटे ना खेसारी लाल के साथ गाना वाना लिख के देते हैं। हाँ, प्रिय गीतकार हम अखिलेश कश्यप खेसारी जी के, और गाना ढेर सारा लिखल खेसारी जी के, कई गाना उनका हिट भइल बा काजा रा तो कौन कौन गाना भइल बा हिट ही गुल। अब हमनी के निखिए जानतनु हमनी के तो अपन बा खाना अपने से कोई ना जाई, तो दर्शक जानता बताई रउआ सब खुद पढ़ल लिखल बानी जा यूट्यूब से जुड़ल बानी जा यूट्यूब पर वह सब खोलब देखब तो सब बता दी कि मतलब के कतना पानी में बाटे। तो हमनी के बतावे की जरूरत नहीं कि हमनी के छोट कलाकार बनी जाए गो सीख तो नहीं जा आगे और सीखे कोशिश कैल जी, जब तक अजीवन जिंदगी रही अपन सीखे कोशिश कैल जी और सीखते रह जी। हमनी के विवाद में चक्कर में निकी जा पड़े वाला गलती हमारा से भइल बा कि हम लाइव में गाली दिले बनी, आ गाली के बाद वीडियो जौन शूटिंग पिस्टल जौन होला फिल्म के उ पिस्टल हमारा से हाथ से दिख गई बा, तो ओकरा खातिर इ लोग एफ आई आर किलन जा। हमार फरवरी वीडियो वायरल भर रही फरवरी महीना में यही साल 2022 में, और केस भइल बा हमारा 22 मई 2022 के केस भइल बा, आ 27 तारीख के हमार गिरफ्तारी वाराणसी से भइल बा। हम 25 तारीख के पवन भैया के संगे बनारस में फिल्म के शूटिंग में रहनी हम, आ यहाँ तक कि होटल तक भी गई बनी पवन भैया के हम, आ होटल के बाद हम डायरेक्ट आइल बनी प्रतापगढ़ रात में कॉलू जी के शूटिंग पर।
हम 26 तारीख के कॉलू जी के शूटिंग पर से 25 के आई नहीं 26 के रात में हम ई मुगराबाद शाहपुर स्टेशन है ओजल हम काशी विश्वनाथ पकड़ के 2:30 बजे रात के निकल गई बनारस। सुबह हमें दिन भर रहनी सुबह हमें शूटिंग रहा बनारस करे नहीं अपन शूटिंग आ जैसे भैया घर पर आके हम सुतते बनी तो 1-1.5 घंटा के बाद हमारा पास पुलिस उलिस मे पूरा मकान के छाप के आ पकड़न हमारा के पकड़ला के बाद कहलन जा कि तुम्हारा एक वीडियो वायरल हुआ है हम लोग तुमको उसमें गिरफ्तारी कर रहे हैं। ओकरा बाद वो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस हैंड ओवर कैलस बिहार पुलिस के तो हमारा के ले गए लोग जेल भेज दलन लोग जेल चल गए। कितने दिन आप जेल में रहना जानो? हम जेल में 28 दिन रहनी हम तो जेल बड़ा चीज़ नहीं है जेल तो मर्दे खातिर होला। जब श्री कृष्ण भगवान जब जेल में जेले में जन्म रहा हन तब उनसे बड़ा हमनी के कुछ बनी जा जेल तो मरद लोग लड़ेला मरद के काम न जेल गई ले सब कहला जेल खराब चीज़ है जेल खराब चीज़ ना हो जाए के चाही ये खाली जरूर बजाय के चाही। लेकिन गलती आप मानत हैं कि हाँ आप पिस्टल लेके जो कर दिए रहें? जी हम गलती अपन एकदम साफ स्वीकार करते नहीं सबसे माफ़ी भी मांगत नहीं गलती हमारे रहा हम गलती के अपन खुद हम माफ़ी मांगत नहीं कि ना हमारे से गलती भई रहा लेकिन जवन लोग कैल हन जो हमारे संगे गलती लोग तो ये तो सब मिलल जुलल सरकार भी आ एगो गरीब आदमी के पेट पर पैसा फेंक के तो कोई भी धरल चाहिए तो धल ही अगर धरहूँ के बाटे तो हमारा लेखा तमाम लोग आप अपन यूट्यूब चैनल पर खोलब हमारा लेखा 50 लड़का गाड़ी दिले हुई कम से कम उहो लोग के धरे के कोशिश करा जाए। अच्छा तो ये देखल जाए जैसे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का हम लोग बात कर जाए तो बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं देखे के मिलत कि गाना चोरी ओरी का लेकिन भोजपुरी में आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल गया बा कि अगर वो गायन फलानवा का बेटी तो वो फलानवा के बेटी से नाम जोड़ के या फिर जैसे आप बताया कि गाया पंडितन का तो फिर वो हीरान का ऐसा गाना चोरी करे ट्रेंड ये कहाँ से कब से शुरू हो गया? ये गाना देखिए कंट्रोवर्सी हो गई बा जैसे कि एगो बात एगो होला कि गुरु गुरुए होला तो गुरु तो गुरुए ना कहा गुरु तो भाई चेला ना हो पवन सिंह पहले के बड़न तो पवन सिंह भाई पहले के बड़न उनकरा बादे ना सब कोई पैदा भइल बा पवन सिंह के गुरु भरत शर्मा जी बड़न गोपाल राय जी बड़ भैया बड़न तो वो लोग पहले के मार्केट में बड़न विष्णु ओझा जी बड़न तो वो लोग पवन सिंह सम्मान कर छोड़ दस अगर पवन सिंह के बाद खेसारी आइल बड़न कलू आइल बड़न रितेश पांडे आइल बड़न समर सिंह आइल बड़न तो ये लोग पवन सिंह के सम्मान करिहन लोग ना भाई पवन सिंह पहले के बानी रवि किशन जी पहले के बानी मनोज तिवारी जी और पहले के बानी तो भाई जेकर जितना लेवल बा सीढ़ी बा सीढ़ी बा तबे तो एक डायरेक्ट प्रधानमंत्री ना कोई बन जी सीढ़ी धीरे धीरे ना चढ़ी तब ना बनी मोदी जी बन बन प्रधानमंत्री तो पहले मुख्यमंत्री रहन तब बन बन प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं योगी जी बन बन सांसद रहन तब बन बन मुख्यमंत्री तो पवन सिंह के जहाँ लेवल बा जहाँ अस्तित्व बा उ सरस्वती पुत्र हवन पूरा दुनिया कहला पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ तक कि जे गार्जियन है भोजपुरी के सबसे जो भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम कैलस रवि किशन जी खुद मंच पर से खड़ा होकर कैला वहाँ के कि सरस्वती पुत्र पवन बाबू हब तू मनोज तिवारी जी बात कहल कि जहाँ पवन रही हन वही जगह हम टिकब नामे इनकर पवन बा तो पवन के कोई रोके ला हवा के झोंका होला तो पवन के कोई रोकी ना ये चीज़ बा। जैसे अगर देखल जाए तो खेसारी लाल गाना बहुत ज़्यादा अश्लीलता से भरल रहला और अश्लील गानन के जो भरमार हो गया भोजपुरी में और भोजपुरी फिल्म भी जैसे देखा जाए परिवार के साथ बैठ के लोग देख नहीं सकते तो ऐसा काहे ट्रेंड चलत बा भोजपुरी में काहे ना भोजपुरी साफ सुथरी फिल्म और अच्छा गाना होना परोसल जात? देखिए भोजपुरी में कोई के माई बहन के नाम धके गाइब तो खराब काम बाकी ना ओकरा के बाउर कलाकार कहें कि ना आदमी खराब कलाकार हमनी के भोजपुरी में ठेठ भोजपुरी में बाउर कहल जाला नीमन के नीमन कहल जाला बाउर के बाउर कहल जाला तो बाउरे न काम बा नीलुआ तोरा पीलुआ पड़ी काहे क्योंकि माई बहन के घर में बेटी के नाम लिखे नीलुआ चाची तो हर बाची सपनावा में आती है चाची के बच्ची सपनावा में आवेल बहन सपना में आवेल आंटी के हब हिंदी में बयान दिलन जब हम लोग न्यूज पर कि आंटी कहते तो आंटी के मतलब का भइल चाची ने भइल तो चाची के बाची सपना में चाची के लड़की सपना में आवतिया तब तो बहन ना आवती है सपना में तो ये बताई कि मने बढ़िया चीज़ बाई गावली कुल अपन गलती ना दिहन लोग अपन गलती ना दिहन लोग लाइव भै जाना सो शॉर्ट दे रोत एक घड़ी तो 1.5 GB के डाटा बा घड़ी फ्री सेवा बा एक महीना खातिर शॉर्ट दे लाइव आके रोवे लगी हँस कि ये हमारा ये हो गया वो हो गया ये हो गया यहाँ लोग के मार्केट टिकल बा एक चीज़ पर प्लस पॉइंट हम बता तनी आ न्यूज़ के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से ये लोग के मार्केट टिकल बा कंट्रोवर्सी पर आ देखो भी आवे वाला समय में के कहाँ रहिए हम कहाँ रह वो कहाँ रहिए जा समन्वय काम से जवाब देव हम अब जब हमारा संगे इतना बढ़िया घटना हो गई तो हम तो सावधान न होब आ सावधान होकर तो काम से ना जवाब देव जरे वाला जर हो तो कैसे मुनु भी आप जेल से बाहर आई ना क्यों जमानत ले ले कैसे बाहर निकलना है आप जो
हमार तो भैया केस जैसे जौना तरीका से लिखावल गिरल है वो तरीका से तो जमानत हमार ना भई रही कुछ बड़ गार्जियन लोग के सहयोग भइल अब नाम हम ले में लाइव मेरे को सामने तो कल हो गए कंट्रोवर्सी में जी कि इनका संगे है आदमी बढ़न तो हम ओपनली चीज़ के हम न्यूज़ के माध्यम से चैनल के माध्यम से ना करब सबसे बड़ा योगदान अपना हम बड़का भैया सोनू उपाध्याय के करब और अपना माता पिताजी के करब हम कि उहे लोग के देन रहा कि थोड़ा बहुत हमके ज़्यादा हेल्प मिलल और हम बाहर भी अनी जहाँ तक कि सब लागल रहा कि ना जल्दी आवस मोनू ऐसे कि मोनू के प्रेम सबसे रहा मोनू के प्रेम कोई एक सोना रहा मोनू पवनू जी के काम कर लन खेसारियो जी के काम करते रहन रितेशो पाड़ी जी काम करते रहन सबकर कैले बड़न काम ऐसा भोजपुरी में कोनो कलाकार निखन जेकर काम हम नहीं कैले हमार देन है कि आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कुछ स्टार कलाकार हमारा बदौलत हमारे शरीर के बदौलत हमारे मेहनत के बदौलत आज भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गायक पड़न गोलू राजा बहुत बड़ा भोजपुरी के अच्छा कलाकार अगर हम ना रहती तो आज जान से ख़त्म रहते ना आज हमार देन बाकी उपज किलन ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में जोना समय उनके गोली लगा रहा वो समय उनका साथ में कोई ना रहा लेकिन हमार देन रहा कि हम ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल पहुँचनी गोलू के ऑपरेशन डॉक्टर से लड़ के झगड़ के आ जल्दी करा के ऑपरेशन भाई के अपना ठीक करके ले अल बीच में हम कई सारा कलाकार बढ़न जेकर गाना खाती बहुत मेहनत कैले बनी बहुत प्रचार कैले बनी हर जगह घूमल बनी ब्रजेश सिंह हो खस विशाल गगन हो खस छोटू पाणे हो खस सोना सिंह हो खस सनी कुमार सनिया हो खस अरविंद अकेला कलू जी हो खस यहाँ लोग खातिर दिन रात मेहनत करके एगो ताव पर रखल रही हम आज कलू जी के 12 साल से आज हम एगो बहुत बड़ा मतलब उनकर हमेशा काम करते रही हम कबो उनकर गाना आई लिंक शेयर करना वीडियो भेजना ग्रुप में डालना हर चीज़ करना ज़्यादा फोकस करीला हम रितेश पांडे जी के भइल ज़्यादा फोकस करीला हम। तो मोनू भैया आप जौनपुर में आयल बाड़ा जौनपुर में का कुछ प्लान बा शूटिंग उटिंग होए के बाद का कुछ होए के बाद कैसे जौनपुर आगमन कैसे भेल रहे जी हम तो अब अही जेल से निकलला के बाद गइनी हम जम्मू कश्मीर वैष्णो माता के दर्शन उर्शन कहो के उन्हें से आ जौनपुर आगमन भइल ह फिर हमार रात्रि के आज जले सुल्तानपुर निकलब हम बड़का भैया समर सिंह जी के फिल्म के शूटिंग होता तो हम उजगे जाए वाला बानी फिलहाल एगो भैया के वेट करते नहीं तो आप लोग से बात हो गई बीच में तो फिर आप लोग से मुलाकात भी हो गई बहुत अच्छा लगल हमारा और रात में भैया हमार सुल्तानपुर में निकल जी फिल्म के सेट पर हम रात में रहुआ सुल्तानपुर निकल जाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अब जौन कलाकार बाटन चाहे रवि किशन भैया हों चाहे मनोज तिवारी जी हों अब तो दिनेश लाल यादव निरहुआ भी सांसद बन गई ने तो का कहे चाहत बाटन आप अपने एक कलाकार निगम हमन के तो खुशी है ना बा कि जे हमन के अभिभावक बा जे गार्जियन बा जे भोजपुरी के ले गई बन जा आगे तक भोजपुरी के आज तक अश्लील दिल ही नहीं जा कोई को अधी कि रवि किशन जी अश्लील दिले बनी वहाँ को जौनपुर से हैं कोई को अधी कि रवि किशन जी अश्लील दिले बनी या दिनेश लाल यादव जी या मनोज तिवारी चाचा कोई नहीं कह सकत तो आज बहुत खुशी के बात बाकी भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कलाकार लोग आज सांसद बन के जनता के बीच बढ़न जा सेवक हो गल जा आज उससे बड़ी यार खुशी का चाहिए हम चाहब कि और लोग नंबर लगैले रहो और लोग सांसद बनो आवे वाला समय में राज्य के चलावे के अधिकार रख से भोजपुरी इंडस्ट्रीज के तो ये तो खुशी है वो कलाकार खाती हुई मोनू भैया गीतकार भी बाटन और गायक भी बाटन तो ऐसे में अगर कोनो गीत अपने जैसे दिनेश लाल यादव जी सांसद हो गए तो अपने कलाकार भाइयन विदा या कोनो फेवरेट गीत जोन आपको है जोन आप गवे चाहें हम चाहे आपके हमारे दर्शकन के सुना दें। अब हम तो राजनीतिक मुद्दा गाना राजनीतिक गाना भी हर कलाकार के शोभा ना देवेला राजनीतिक ना जैसे कोनो भी गीत जोन आपको कौन गाना आपके हम सुना सकतनी जौन गाना हमारे मार्केट में आयल बा बहुत सारा गाना हमार चलल बटे वो गाना बाजल रहा हमार 2013 में बहुत ज़्यादा बाजल रहा हम सुनाबतनी अरे कि पिसली हरदिया भौजी अरे कि पिसली हरदिया भौजी अरे कि बीच रे अंगनवा हो पिसत के बेरिया होले होले हो कि पिसत के बेरिया होले होले अरे कि हिले ला जो बनवा हो पिसत के बेरिया होले होले कि कपड़ा से सड़िया सरक जाता नीचे कि ढलके जो बन दूनो छतिया के बीचे कि जियारा जुड़ाई जाता कि जियारा जुड़ाई जाता अरे कि देख के बदनवा हो पिसत के बेरिया होले होले कि हिले ला जो बनवा हो पिसत के बेरिया होले होले। मोनू भैया वो वाला गीत जो आप बतौना जो पहले कंट्रोवर्सी भई रहा है कौन रहा जो आप गाए रहे उनके बाद वो गीत पे लिखे दूसरा गीत आप चोरी किए वो वाला गीत तो हम चाहत बाटी एक बार सुना दें
वो गाना पंडितान के जान हो ड्यूटर लगाना हमारे लेडीज आ जेंट्स में। अब वो गाना साल डेढ़ साल हो गई बा तो थोड़ा बहुत अटक भटक रही करा खातिर माफी चाहब थोड़ा तो दुलाई हम गुनगुना तनी लड़की के बोल रही है। अरे कि चौबे जी चौबीस घंटा कर ताले पीछा जादो जी चुमा खाती कर ताले भीछा कीजिए 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 नहीं नरन। अरे कि तो मनी याद नहीं खेब जहाँ तक हमारा ये बा तो वो जग हम गई बनी पंच लाइन हमारा याद बा लड़की के लाइन तो नहीं याद हम गई बनी जग अरे कि दल गले नहीं देहब अहिरान के अरे कि तू जान हुए जान पंडितान के कि तू जान हुए जान बबुआन के। हम सब जात के लेके गई रहनी है गाना हम एक में ही ना रह कि पंडितान बबुआन ना अहिरानो कोहिरानो हम सब गई बनी ना कि हमारा में कौन एगो जात के लिए बनी हम नहीं गई में गाना आप सुनब तो खुद आपको समझ में आई। आखिरी में आप कहे चाहिए हमारे दर्शकन से जान आखिरी में क्या कह आप सबके ये हमें तू कह कि आगे से हमारा आप काम से कह के जवाब देवे के बाद कहें से कि हम ढेर पढ़ल लिखल ना हई एगो कहावत है कि त्रिया चरित्रम पुरुषों से भाग्यम दैबो ना जाने तो महादेव के ऊपर बा जवन हुई तवन आगे हुई लेकिन हाँ काम से जवाब देव। आज लोग हमारा के फंसैलन काल गई अब तो सामान नहीं आई कि भाई अब उनकरो तो डर हो गई हो कि ना भाई दुश्मनी पाल ले बहन तो दुश्मनी कैसे होला तो हमने के पंडित जी हैं या पंडित जी के दुश्मनी शास्त्र में लिखल बा कि अगर पंडित अगर ज़्यादा गरीब हो गया तो सुदामा का रूप धारण करेगा आ पंडित अगर क्रोधित हो गया तो परशुराम जी का रूप धरेगा आ पंडित अगर ज़्यादा तेज बुद्धि दिमाग से हो गया तो चाणक्य का बुद्धि अपनाएगा। तो ये तीनों गुण हमारा अपनावे के बा सुदामो के होख परशुरामो जी के होख आ चाणक्य होख अभी सोचले बानी इहे हम कि तीनों अपन दिमाग हम लगा के अब हमारा उलो के कैसे उलो के मोटिवेशनल करे के बा ये हम खुद जनता के बीच करब और जहाँ तक कि हम लाइव जौन वीडियो भइल बा हमार गाली गलौज के ओकरा खातिर फिर से दोबारा भी माफ़ी मांगब हम आपके चैनल के माध्यम से और आगे से हम मतलब अपन एगो बात कहल चाहतनी कि आगे से ऐसा गलती हमारा से ना हो पाई अब लोग के लागल कि ना भाई एक बार केस करे से पहले हमसे राय सलाह कोई कह लीत कि हाँ भाई केस करतनी अब जरा केस करे के बाबू केस करते नहीं खे करवावल जाता अगर खेसारी लाल के होता ना हिम्मत रल हो तो केस करते ना हमारा पा के कोर्ट दौड़ती ना कोर्ट दौड़ती ना हम तारीख पैत ना हमारा ऊ भोजपुरी स्टार होकर एहन तारीख पर हमारा आपको लागत बा कि एहन तारीख पर हमारा ऊ कर बड़न अपन राइटर से केस पैसा रुपये देकर राइटर से केस करे बड़न तो वह हाल बा कि अपना मन के शाम सुनर लोग कहे कि लंगड़ा हो तो दूसरा के कानी पर धके हथियार छोड़े वाला काम तो खेसारी कर दिले बड़न दुश्मनी तो अखिलेश कश्यप ले लेलन लेकिन अखिलेश कश्यप के आज ना काल है बुझाई आ दूसरा चीज ये कि अखिलेशो कश्यप कोनो गैर हमारा खातिर नहीं खन अखिलेश कश्यप के भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हम ही पैदा किले बनी हम ही मार्केट में लैल बनी ये आपके चैनल के माध्यम से खुल के कहतनी हम कि सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अखिलेश कश्यप गीतकार के नाम पड़ल तो ये हमार देन बा हमार देन बा आ हम ही लैल बनी हमारे देन हक रितेश पांडे भी गाना गैलन उनकर हमारे देन हक कॉलू भी गाना गैलन उनकर ये हमार सब योगदान हो आप कॉलू का भी इंटरव्यू को बोले चाहे कुछ भी तो जरा सा भी क्लिक पॉइंट करब अगर हमारे नाम से कि आपके इंटरव्यू में हम कॉलर नहीं है तो कॉलू भी बात के अपन मुँह से खुद बयान कर दियन कि हाँ सबसे पहले मोनू उपाध्याय के देन है कि अखिलेश कश्यप के गाना हम गावे चालू के नहीं तो गुरु गुरुए होला चेला ना हो तो वह बात बाटे जी बिल्कुल। तो देखें मोनू उपाध्याय उर्फ लंठा बाबा रहना भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जिनका साफ तौर पे कहा है कि बा कि हालांकि इनसे कुछ गलती हो गई रही जोने के खातिर इधर वाला लोगन से पूरे समाज से अपने माफ़ी मांगत बाटन लेकिन ये हर तरह से तैयार बाटन कि अब अगर क्यों ऐसा गलती करी क्यों विवाद करी तो ओकर जवाब भी देवे के पूरा मूड बना ले बाटन।